दोस्तों, आज हम आपको समरसेबल मोटर का हेड कैसे सेट करते हैं, कैसे उसको कंप्लीट तैयार करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मोटर का ये पार्ट लगाना होता है हेड के ऊपर, हेड वाला फर्स्ट पार्ट और इसकी कपलिंग और इसकी शाफ्ट। और दोस्तों, दो नट से इसको बिल्कुल टाइट खींच दीजिए, और खींचने के बाद दोस्तों आपको ये घुमा कर देखना है, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। अगर टाइट घूमता है तो इसका मतलब आपके पार्ट सही नहीं लगे हुए हैं, उनको सही बैठाएं। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि अगर इस पार्ट में जो हेड का पार्ट है, इसके अंदर का बुश ख़राब है, तो इसमें आप बुश बदल सकते हैं। बुश आपको पहले ही बदलना होगा, हमने इसमें पहले बदल दिया था। और इसके बाद आपको सबसे पहले एक एम्पलर डालना होता है, और एम्पलर डालेंगे तो दोस्तों आप ये देखें कि एम्पलर इसके जो बॉडी है इसके टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा वो ऊपर रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगाया तो ये एम्पलर बिल्कुल टच हो रहा है। तो इसको ऊंचा करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें सिम वाशर लगाने होंगे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, एक या दो, या फिर आपको जैसे इसमें जगह चाहिए उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखें कि इसके एम्पलर इसमें टच नहीं होने चाहिए, हल्के से ऊँचे रहने चाहिए और ज़्यादा ऊँचे भी नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह इस पे एम्पलर लग जाएगा, और एम्पलर लगने के बाद इसका दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे एम्पलर पर। एक एम्पलर लगेगा और एक पार्ट इसका लगेगा जो बॉडी का, उसको एक स्टेज बोलते हैं। दोस्तों तो इसके ऊपर फिर बुश लगा दीजिए आप, बुश लगाने के बाद ये पार्ट लग जाएगा। तो इसका मतलब एक स्टेज हो गया, एक एम्पलर और एक ये बॉडी, तो एक स्टेज ये हो चुका है। अब हम इस पर दूसरा एम्पलर लगाएंगे और फिर दूसरी ये बॉडी लगाएंगे, तो ये इस तरह दो स्टेज हो जाएगा। इस तरह करके हमने इसको 6 स्टेज कंप्लीट किया है, और हर बार मतलब एक एम्पलर के बाद इस पर बुश लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने नीचे इसमें बुश लगाया होता है, हर एम्पलर के बाद इसमें बुश लगेगा। और दोस्तों इसमें चाबी बनी हुई होती है, चाबी के हिसाब से इसमें लगती है। और दोस्तों ये एम्पलर हमने दूसरा एम्पलर लगा दिया, थोड़ा सा टाइट जा रहा तो हम उसको किसी चीज़ से ठोक लेंगे। दोस्तों इसमें भी हल्का सा हमको थोड़ा सा ऊँचा रखना पड़ेगा ये, तो इसके लिए भी हमको इसमें सिम वाशर लगाने होंगे। इसको आप बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालने के बाद आपको जितनी ज़रूरत है एक या दो वाशर की, उसके हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों ये लग गया, इसके बाद हम इस पर दूसरा पार्ट डालेंगे स्टेज का, जिसको हम हांडी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद इस पर पहले बुश लगाएंगे, और फिर इसकी जो स्टेज का साइज है, मतलब स्टेज का जो हेड है, मतलब ये लगा देंगे। और इसको हम दोस्तों ये ध्यान रखना है, इसमें लाइनिंग है जो स्टेज की, स्टेट की पत्ती होती है स्टेट की, उनको सीधा रखना है। और उसके बाद फिर इसमें एक और एम्पलर लगा देना है, तीसरा। और एम्पलर लगाने के बाद फिर एक बुश लगाना है आपको यहाँ पर, और फिर इसका एक और स्टेज का पार्ट लगाना है बाहर वाला। तो इस तरह अब इसमें तीन स्टेज ये हो चुकी है। इस तरह करके हमको इसमें 6 स्टेज करना है। दोस्तों ये 8 स्टेज की मोटर थी, लेकिन हमने इसमें 6 एम्पलर लगा कर बाकी दो जो स्टेज की है वो खाली छोड़ दिए। 6 स्टेज पर लगाइए, क्योंकि इस बोर में जहाँ पर ये चलेगी उसमें पानी कम है, 1.5 इंची पानी के लिए हमने ये लगाई है, और ये 250 से 300 के बीच में डली हुई है। तो दोस्तों कम पानी था बोर में, इसलिए हमने इसे 6 स्टेज की बनाई है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, दोस्तों स्टेज जो होता है, आप कहते हैं, कई वीडियो मैंने देखा है कि आप कहते हैं कि सर कितने फिट पर कौन सी मोटर डालें। दोस्तों सबसे पहले डिपेंड करता है आपको प्रेशर कितना चाहिए, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। फिर बात आती है फुट की, तो फुट की बात आती है। दोस्तों इसमें तीन तरह के साइज होते हैं, 30, 35 और 40 स्टेज के, यानी कि एम्पलर के। एक एम्पलर होता है जो 30 फिट फेंकता है पानी, तो 30 फिट के हिसाब से आप 10 स्टेज का पंप लगाएंगे तो 300 फुट पे हो गया, 300 फुट तक आप उसको चला सकते हैं 30 फिट वाले पंप को, स्टेज को, मतलब एम्पलर जो होता है। उसके बाद होता है 35 फुट वाला, 35 फुट के हिसाब से आप 350 फुट उसको लगा सकते हैं 10 स्टेज को। और इसके बाद होता है हाई हेड 40 फिट का। तो दोस्तों हाई हेड जो होता है उसको आप 10 स्टेज के पंप को 40 यानी कि 400 फिट पर चला सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने 6 स्टेज यहां कंप्लीट कर दिए हैं, और इसके बाद इसके पुछ लगाकर जो इसके शाफ्ट पे ऊपर की तरफ जो टॉप पर चकनट होती है, उस चकनट को आप इस तरह कस सकते हैं पाइप रिंग से पकड़ के, और चाबी से टाइट खींच दिए।
दोस्तों लूज ना रहे, अगर लूज रहता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद जो ऊपर के पार्ट हैं उनमें हम एम्पलर नहीं लगाएंगे, उनको हम खाली छोड़ देंगे और उसके बाद उसके पार्ट हम लगा देंगे। और इनको दोस्तों ये ध्यान रखें, स्टेज की जो पत्तियाँ हैं जहाँ स्टेज लगेंगे उनको सीधा रखें और इस तरह इसमें फिर स्टेज लगा दें। स्टेज लगाने के बाद इनकी ढिपनियों को टाइट कस दें और बिल्कुल एकदम टाइट करें, लूज ना छोड़ें। इस तरह आप अपने पंप को तैयार कर सकते हैं। चाहे आप 6 स्टेज का बनाएं या 8 का, 10 का, कितने का भी बनाएं, आप इस तरीके से बना सकते हैं और उसको आप यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्टेज जो आते हैं 30, 35 और 40 फीट तक के आते हैं, आप इस तरीके से अपने हेड को बना सकते हैं। और दोस्तों इस तरह आपका हेड तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।